नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की बड़ी खबरों को। बिहार में हुए नुकसान की जानकारी लेने पहुंची केंद्रीय टीम से लोगों ने की सरकार की शिकायत। बाढ़ में हुए नुकसान की जानकारी लेने कुछ दिनों पहले 6 सदस्यीय टीम केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में बिहार पहुंची थी, जिसके बाद बीते दिन 2 सदस्य केंद्रीय टीम मुजफ्फरपुर पहुंचकर बाढ़ प्रभावितों का जायजा लेने पहुंची थी, जहां पर वित्त मंत्रालय के निदेशक दीपेंद्र कुमार और कृषि मंत्री के निदेशक वीरेंद्र सिंह शामिल थे। केंद्रीय टीम के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट से अधिकारियों के साथ बैठक भी की। साथ डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने वार्ड में जिले में हुए नुकसान की रिपोर्ट भी सौंपी है। उन्होंने बताया है कि पीपीटी के माध्यम से बाढ़ पूर्व तैयारी, बाढ़ के समय राहत और बचाव कार्य और बाढ़ के कारण विभिन्न क्षेत्रों में हुई बर्बादी के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। वहीं मौजूदा लोगों ने जांच टीम के सामने सरकार की खूब शिकायत भी की है। जब लोगों से पूछा गया तो लोगों ने बताया कि उन्हें सब कुछ मिला है, लेकिन 6,000 रुपये अभी तक खाते में नहीं आए हैं। भाजपा ने हर जिले में प्रचार रथ तो विधानसभा में मोटरसाइकिल घुमाने का जारी किया आदेश। बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव प्रचार के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। चुनावी तारीख की घोषणा होने में अभी भले ही समय हो, लेकिन पार्टी अभी अपनी तरफ से चुनाव प्रचार की रणनीति बना चुकी है। कोविड-19 को देखते हुए पार्टी ऑनलाइन प्रचार पर अधिक जोर देगी। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पार्टी ने ऑफलाइन यानी मतदाताओं के बीच जाकर भी चुनाव प्रचार करने का निर्णय लिया है। पार्टी ने इस बार चुनाव प्रचार में एक चुनावी नारे पर काम करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत कार्य समिति की बैठक में भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव ने भाजपा है तैयार आत्मनिर्भर बिहार का नारा दिया था। छात्राओं को एसटीईटी की परीक्षा 11 बजे से 2:30 बजे के बीच में होगी आयोजित। आगामी एसटीईटी परीक्षा में भले ही छात्राओं को उनके मन मुताबिक सेंटर नहीं दिया गया हो, मगर शिक्षा विभाग की तरफ से पुनर्परीक्षा में 11 से 2:30 बजे की पहली पाली में छात्राओं के लिए आरक्षित कर दिया है। इससे परीक्षा के दौरान छात्राओं को रात्रि विश्राम संबंधित शहर में करने की मजबूरी से छुटकारा मिलेगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक को पत्र भेज दिया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 9 से 21 सितंबर तक हर दिन 3 पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए 11 बजे से 2:30 बजे की पाली को छात्राओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। वहीं बीते दिन शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया गया था। परीक्षा 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच ऑनलाइन माध्यम से होने वाली है। बिहार में 14 जिले में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या होने की दर 90% से अधिक। बिहार में कोविड-19 संक्रमण के मामले भले ही तेजी से बढ़ते जा रहे हों, मगर स्वस्थ होने वाले की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में औसत से अधिक संक्रमित स्वस्थ हो रहे हैं। बिहार में 14 ऐसे जिले हैं जहां कोविड-19 संक्रमित के स्वस्थ होने की दर 90% से भी अधिक दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बेगूसराय में 90.45%, बक्सर में 91.81%, जहानाबाद में 90.91%, कैमूर में 92.70%, कटिहार में 92.20%, खगड़िया में 94.67%, लखीसराय में 90%, मुंगेर में 90.64%, नालंदा में 91.76%, नवादा में 90.48%, रोहतास में 91.41%, शेखपुरा में 91.97%, सीतामढ़ी में 90.44%, वहीं वैशाली में 90.86% के मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश की बढ़ी संभावना। बिहार के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना बढ़ती देखी गई है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार राजधानी पटना समेत 24 जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पटना, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद में 24 जिले में हल्के बादल छाए रहेंगे और कुछ जगह पर हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिमी से आने वाली हवा का दबाव बिहार के विभिन्न हिस्सों में पहुंचने के दौरान कमजोर हो रहा है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी में आने वाले निम्न हवा के दबाव की वजह से मॉनसून की सक्रियता झारखंड के बाद खत्म हो जा रही है। इसकी वजह से बिहार के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून के बाद भी पिछले 10 दिनों में अच्छी बारिश नहीं देखी गई है। आज से राजधानी पटना की सड़कों पर मास्क नहीं पहनने वालों की खैर नहीं। कोविड-19 के माहौल में आज से राजधानी पटना की सड़कों पर नियमों का पालन नहीं करने वाले और मास्क का इस्तेमाल नहीं करने वाले पर सख्ती से पेश आया जाएगा। डीएम और एसएसपी ने चेकिंग अभियान के तहत सड़कों पर खुद उतर कर दुकान में औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां कई लोग बिना मास्क में देखे गए। जो भी बिना मास्क में देखे गए उन्हें 50 रुपये का फाइन देना पड़ा और बदले में उन्हें एक मास्क भी दिया गया है। जिसके बाद से आने वाले 10 दिनों तक मेगा चेकिंग मुहिम की शुरुआत की जा रही है। मास्क को लेकर अपने प्रशासन पूरी तरीके से गंभीर है। इसके साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ पहले से चली आ रही सख्ती को और ज्यादा सख्त किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव पर हेमंत सोरेन ने कसा शिकंजा। अपनी सरकार पर सवालों की बौछार को देखते हुए हेमंत सोरेन ने लालू प्रसाद यादव पर सख्ती दिखाई है।
है, जिसके तहत उन्होंने झारखंड के रांची में चल रही नेताओं से मुलाकात पर रोक लगा दी है। जिसके बाद अब लालू प्रसाद यादव पर 24 घंटे में 3 मजिस्ट्रेट की निगरानी हमेशा रहेगी। मजिस्ट्रेट की तैनाती रिम्स रांची के एक केली बंगला में कर दी गई है, जहां पर लालू प्रसाद यादव को रखा गया है। तीनों ही मजिस्ट्रेट 3 अलग अलग शिफ्ट में काम करेंगे। वहीं बंगले की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। किसी भी बाहरी शख्स को अंदर आने की इजाजत नहीं मिलेगी। बिना अनुमति के बिहार आने वालों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिससे जबरदस्ती उन्हें 14 दिनों की क्वारंटाइन में रखा जाएगा। रांची के डीसी छवि रंजन को लेकर निर्देश जारी कर दिया गया है। सूबे के मुखियाओं पर कसी गई नकेल, बिहार में मुखिया जी की परेशानी बढ़ने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के मुखिया जी की नकेल कसने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। जीविका दीदियों के जरिए मुखिया की कार्यस्थानियों का हिसाब लिया जाएगा। राज्य में जीविका दीदियों ने सरकारी योजनाओं की सोशल ऑडिटिंग का काम शुरू कर दिया है। जीविका दीदियों को इस काम के बाद पंचायत में हुई गड़बड़ी अभी सामने आने लगी है। जीविका दीदियों को सरकार ने जो टास्क सौंपा है, उससे मुखियाओं के बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अब अगली सरकारी योजनाओं में जुड़े अफसरों को भी पसीने छूट रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार 33 जिलों में 5000 पंचायत में ऑडिट काम हो रहा है, जिसमें 23 पंचायत में यह काम पूरा कर लिया गया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2 पीढ़ियों को बेरोजगार करने की कही बात। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हैं। इसी क्रम में उन्होंने बीते दिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है, साथ ही बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जिसके तहत तेजस्वी यादव ने बीते दिन ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आप उनके कर कमलों द्वारा बिहार को सौंपी गई रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी और पलायन पर सवाल करेंगे तो वो गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे, क्योंकि युवाओं की 2 पीढ़ियां बर्बाद करने के जवाब देने में वो कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोल ही देते हैं। गुरुवार को भी तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मसले पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिहार को बेरोजगारी का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया है। पर्यटन क्षेत्र को लॉकडाउन में लगभग 2 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। लॉकडाउन के दौरान बिहार के पर्यटन को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। मार्च महीने से अगस्त तक की पर्यटन को 1.5 से 2 करोड़ के नुकसान का सामना करना पड़ा है। बिहार पर्यटन विकास निगम की सभी सेवाएं अभी तक बंद है। निगम के होटल, टूरिस्ट स्पॉट, गोलघर, राजगीर, रोपवे, पटना रांची बस सेवाएं, टूरिस्ट बस सेवा और जहाज का संचालन पूरी तरीके से बंद है। इन सभी सेवाओं से निगम को अच्छी कमाई होती थी, मगर लॉकडाउन में निगम की एकमात्र सेवा एयरपोर्ट से टैक्सी का संचालन होता रहा है। इसके निगम का सालाना आय 1 करोड़ है। वहीं टैक्सी राज्य समेत अन्य प्रदेशों के लिए एयरपोर्ट से चलती है। बिहार पर्यटन विकास निगम के GM परमेश्वर प्रसाद ने कहा है कि लॉकडाउन में पर्यटन को काफी नुकसान हुआ है। पर्यटन की सभी सेवाएं बंद है और अपना संचालन के बाद ही स्थिति सामान्य हो सकती है। हम के दावे वाली सीटों में बढ़ेगी भाजपा की मुश्किलें। भले ही NDA इस बात से खुशी मना रही हो कि महागठबंधन में एक दल ने नाता तोड़कर उनके दल में शामिल होने का फैसला लिया है, मगर सीट बंटवारे के दौरान सभी दल एक दूसरे को खटकने वाले हैं। इसी क्रम में जदयू ने हाल ही में शामिल हुए हम के कई सीटों पर अपने दावेदारी पेश किए हैं, मगर हम की दावेदारी से NDA में शामिल मुख्य पार्टी भाजपा की मुश्किलें बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। पहले ही राज्य से जदयू में शामिल हुए विधायकों की सीट पर प्रदेश भाजपा अपनी आपत्ति दर्ज करा चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हर दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश में जुट गया है। इसके लिए हर दावपेच भी आजमाया जा रहा है। दूसरे दल के मजबूत नेताओं को अपनी तरफ करने की कोशिश हो रही है, हालांकि इससे सहयोगी दल की परेशानी को नजरअंदाज किया जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवाने के लिए पटना में लगाए गए पोस्टर। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलवाने के लिए पटना के गली चौराहों पर पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसमें अंग्रेजी में लाइन लिखी गई है, यू आर नॉट अवे, यू आर विद इन अस, योर प्रेजेंस विल ऑलवेज बी सेलिब्रेटेड गुलशन, जिसमें न्याय की मांग की गई है। पटना के एग्जीबिशन रोड पर लगे बड़े पोस्टर में न्याय की मांग के साथ साथ एक दिल को छू जाने वाली कविता भी लिखी गई है, जो यह दर्शाती है कि बिहारवासी सुशांत से किस तरह अब भी जुड़ाव महसूस करते हैं। आपको बता दें, सुशांत के घर का नाम गुलशन था और पटना के राजीव नगर में ज्यादातर लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते थे। पोस्टर के सबसे नीचे जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत लिखा हुआ है, लेकिन पोस्टर में सबसे खास बात यह है कि उनके जन्म का वर्ष के साथ साथ दुनिया को अलविदा कहने की तारीख में लिखी गई है, जिसमें 1986 से लेकर 00 दर्ज किया गया है। सुशील कुमार मोदी ने बिहार महागठबंधन का किया नामकरण। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पर एक साथ निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि राजद बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर पाएगी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि अब यह साफ हो गया है कि विधानसभा चुनाव में NDA के सामने केवल 2 आदतन भ्रष्टाचारी और परंपरागत वंशवादी दल होंगे, जिसमें नेता को यह फैसला करने में आसानी होगी कि न्याय के साथ विकास को आगे बढ़ाया जाए या किसकी नीयत काम के बदले जमीन लिखवाने की रहेगी। उन्होंने आगे लिखा है कि जीतन राम मांझी के राजद कांग्रेस का साथ छोड़ने के बाद सिर्फ राजद कांग्रेस का पॉलिटिकल करप्शन फोरम यानी कि PCF रह गया है। अब
गठबंधन कहना इसे धोखा होगा। अब यह पार्टी पीसीएफ है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी से नाराजगी की बताई वजह। कांग्रेस के वर्तमान सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री शशि थरूर ने बीते दिन महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटरों से अपनी नाराजगी की वजह बताई है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जब एमएस धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज क्रिकेटरों ने शुरुआत में डिसीजन रिव्यू सिस्टम का विरोध किया था तो उन्हें काफी ज्यादा निराशा हुई थी। मैं टेक्नोलॉजी में बहुत यकीन करता हूं, उसका बहुत बड़ा फैन हूं। शुरुआत से ही मैं डीआरएस को सपोर्ट करता आया हूं। जब धोनी और सचिन ने इसके लिए मना किया था तो मैं काफी अपसेट हुआ था। मैं देखता हूं कि हर बार यही लगता है कि अंपायरों के फैसले लेने की काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मीडिया हाउस को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि जब बीसीसीआई ने आखिरकार 2016 में भारत इंग्लैंड सीरीज के दौरान डीआरएस इस्तेमाल करने की घोषणा की थी तो मुझे थोड़ी शांति मिली थी। भारत में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 39 लाख के पार। देश में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में भारत में रिकॉर्ड तोड़ 83,341 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके साथ ही कुल कोविड 19 संक्रमितों की संख्या 39,36,747 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही कोविड 19 की वजह से बीते 24 घंटे में 1,096 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद अब तक जान गंवाने वालों की संख्या 68,472 पर पहुंच गई है। हालांकि कोविड 19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब तक कुल मिलाकर 30,37,151 मरीज ठीक हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 66,659 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कुल मामलों में सक्रिय मरीजों की संख्या 21.11% यानी 8,31,124 है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के जीतने के ज्यादा आसार है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।